और पटना में दो दिवसीय बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि इसमें से बीजेपी 243 में से 200 सीटों पर तैयारी कर रहा है और इस पे बीजेपी प्रवक्ता से एक खास बात की हमारे संवाददाता ने। मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, अमित शाह भी जो है आए हुए हैं, क्या कहेंगे? दो दिनों तक संयुक्त मोर्चे की कार्य समिति की बैठक, हमारे 7 मोर्चे हैं, उन मोर्चों की हो रही है। यह पहला अवसर है कि देश के अंदर में बिहार से इसकी शुरुआत हो रही है, सभी मोर्चा एक साथ बैठ रहे हैं, पूरे देश से लोग आए हैं। जब मोर्चे के लोग बैठक में आए हैं, उससे पहले दो दिनों तक 200 विधानसभाओं में प्रवास किया और 12 से 15 प्रकार की योजनाओं का, कार्यक्रमों का वो शरीक होने का काम किया है। उससे अलग प्रकार का एक फीडबैक वो लेकर के आए हैं और उन फीडबैक के आधार पर हमको रणनीति बनाने में आसान होगा, ताकि आगे और बेहतर से बेहतर तरीके से बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को हम स्थापित कर सकें। यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश खरोश तो है ही पहले से, उस जोश खरोश को और बढ़ाना और साथ साथ आम लोगों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बेहतर से बेहतर भाव को खड़ा करना, यही जो है इससे मुख्य उद्देश्य रहा है। विपक्षी पार्टियां जो है वो कह रही है कि जो जेडीयू की जो 43 सीटें थी जो जेडीयू ने जीती थी विधानसभा में, उतनी ही सीटें बीजेपी ने छोड़ी है, बाकी 200 सीटों पे जो है तैयारी कर रही है, क्या कहें? देखिए, कार्यक्रमों के जो प्रवास के कार्यक्रम बने थे उसमें हमारे मोर्चे के जो पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी थे, उन सबका जो समय मिला उस समय के आधार पर हम लोगों ने 200 विधानसभाओं में किया है। और उन 200 विधानसभा के अंदर में हम आगे जो है से 4-5 चुनावों के अंदर, चाहे लोकसभा का हो विधानसभा को, हम किसी न किसी रूप में हम लड़ने का काम किया है और बेहतर परफॉर्मेंस मिला है, जनता का साथ उस उन विधानसभाओं में मिला है, इसलिए उन 200 विधानसभाओं में एक कार्यक्रम हुए हैं। लेकिन मेरा तो 243 है यहाँ का और 40 लोकसभा लक्ष्य है, हम उसको जो है से लेकर करके चलते हैं, कोई हम छोड़ करके नहीं चलते हैं। हमारी नीति है सबका साथ सबका विकास, किसी को हम छोड़ते नहीं है, हम जोड़ने का काम करते हैं। कितना असर इस तरह के कार्यक्रम बिहार में पहली बार हो रही है, बीजेपी करे इतने बड़े पैमाने पे, तो कितना असर होगा इसको आने वाले चुनाव में, कितना फायदा होगा इससे? बिहार नरेंद्र मोदी का कायल रहता है, भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत आधार बिहार रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 19 का चुनाव आपने देखा है किस प्रकार से, 14 का चुनाव देखा है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी का साथ और समर्थन बिहार की जनता ने दिया है। 2020 में भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व का जो है से सहारा बिहार की जनता ने, उस पर विश्वास किया, तो आगे भी बिहार की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के ऊपर था और रहेगा भी। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेमचंद पटेल, जिनका कहना था कि संयुक्त मोर्चा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इससे आने वाले समय में बिहार के जो बीजेपी है उसको बहुत फायदा मिलेगा। कैमरा राजेश का, शक्ति न्यूज़ 22 को पटना।